नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले एक बहुत ही अहम सवाल मैंने शहजाद साहब से पूछा था। शहजाद साहब, सवाल ये था कि लोगों का एग्रेशन कंट्रोल करना और हाथापाई जो हो उसको रोकना, वो किस तरह से मुमकिन बनाएंगे आप? क्योंकि पहले जब हेलमेट की पाबंदी हुई और धड़ाधड़ लोगों के चालान हुए और लोगों ने अपनी बाइक्स को भी आग लगाई, एग्रेशन कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ट्रैफिक पुलिस को हम लोग जब ये ड्यूटी पे आते हैं तो उससे पहले एक ब्रीफिंग सेशन रखते हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है इनको हम लोग ये ब्रीफ करते हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने अपना पेशेंस जो है वो उस पर उसका ख्याल रखना है। टेम्परमेंट जो है वो लूज़ नहीं होने देना। कोई किसी तरह से भी बात करे, आपने उससे अच्छे तरीके से बात करनी है, सलाम लेना है, उसके बाद प्रॉपर तरीके से उसका हाल चाल पूछें, फिर उसकी जो भी उसकी वायलेशन है वो उसको बताएं और फिर उसको जो भी आपने इम्प्लीमेंट करना है, जो चालान करना है वो करें। अच्छा, सीटीओ साहब ने क्या अहकाम जारी किए थे कि जो मीडिया वाला हो उसकी वीडियो बना लो? नहीं नहीं, बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। मैं आपको ये बात बताऊँ कि मीडिया, मैं पहले भी ये बात कर रहा था, मीडिया का और पुलिस का जो ये आपस में बहुत साथ है और कोई भी कंपेन हुआ करती है तो हम लोग मीडिया के साथ शेयर करके उसको प्रमोट करते हैं। वैसे तो अगर हम लोग आपस में कोई नेगेटिव अप्रोच से चलेंगे तो ये तो कभी भी ठीक नहीं रहेगा, और ये कभी भी किसी ने कोई हिदायत नहीं की, बल्कि हमें जो ऊपर से हिदायत आती हैं, कैप्टन साहब की तरफ से, सीटीओ साहब की तरफ से हिदायत हैं, एसपी साहब की तरफ से हैं और हमारी तरफ से मिल के नीचे तक हमारे वार्डन्स तक जाती हैं, वो यही होता है कि आप लोग बहुत प्यार मोहब्बत से सलाम लें और फिर जो है अपना काम आगे स्टार्ट करें। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है और एक मरतबा फिर आपको बेस्ट ऑफ लक इस दूसरे चैलेंज के लिए। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से हम बात करते हैं। नाज़रीन गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ मुजाहिद शेख साहब भी हैं और एक फैमिली है जिन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हैं? जी हम शालीमार टाउन जा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या ये इल्म है कल से जो पीछे वाला आपके साथ बैठेगा इंसान, या मर्द होंगे या खवातीन होंगी या बच्चा होगा, वो हेलमेट जरूर पहनेगा, इससे अवेयर हैं आप? जी बिल्कुल अवेयरनेस है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था तो मीडिया से पता चला कि वो, और ये अच्छी बात है। लेकिन आपने ये सेफ्टी के लिए, ये यकीनन डोर के लिए आपने आगे रखा हुआ है, लगाया हुआ है इसको, लेकिन जो आपने हेलमेट पहना हुआ है ये प्रॉपर सेफ्टी वाला हेलमेट नहीं है, मतलब ये साइकिलिंग का में इस्तेमाल होने वाला जो है ना हेलमेट वो वाला है, तो अब खवातीन का जो है वो भी चालान होगा अगर मतलब वो पीछे हेलमेट नहीं पहनती, तो अब ऐसे हेलमेट तो नहीं चलेंगे? सर मेरे पास उसका जो प्रॉपर हेलमेट है वो भी है, एक्चुअली मेरे साथ कुछ मसला सफोकेशन का हो जाता है तो अभी मौसम गर्म, मैंने इसलिए ये पहना। मैम आप तैयार हैं हेलमेट पहनने के लिए? जी मैं इंशाल्लाह तैयार हूँ, कल से मैं। कौन सा हेलमेट पहनेंगी, कलर क्या होगा? कलर जो मेरे हस्बैंड लेके देंगे वही कलर पहनूंगी। तो आपने कोई फरमाइश की कि मुझे ये वाले कलर का हेलमेट ले दें? नहीं अभी मैंने कोई फरमाइश नहीं किया, ऑलरेडी हमारे पास है। अभी हमारे सामने कर लेना कोई फरमाइश, कौन से कलर का हेलमेट लेंगी? मैं ब्लू कलर का। चलें जी इंशाल्लाह ब्लू के ले देंगे। ब्लू कलर का हेलमेट आ जाएगा। चले और भी हम लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक, शुक्र लगा। बाइक है घर में किसी के पास? जी पापा के पास। बैठती हैं आप पापा के साथ? जी बिल्कुल। कल से आप हेलमेट पहनेंगी जब पापा के साथ बैठेंगे? नहीं हम नहीं पहनेंगे, इमरान खान वो काम कर रहे हैं, हमने भी उसको वोट दिया और वो मर ली ये कर रहे हैं। तो आपकी सेफ्टी है ना, और ये इमरान खान साहब ने तो किया ही नहीं। लेकिन हेलमेट लड़कियाँ कैसे हमारे यहाँ पे देखे, आपने कभी देखा किसी को पहने? लेकिन आप होगा ऐसे आप देखेंगी? अभी भी रात तो हम लोग बाइक पे सफर नहीं कर रहे, लेकिन अगर क्या तो जाहिर है पहनना पड़ेगा वरना चालान हो जाएगा बेचारे पापा का, और रूल फॉलो भी करने पड़ने हैं क्योंकि हमारे लिए रूल बन रहे हैं। तो अच्छा, जल्दी से मुझे आप कलर बता दें कि कौन से कलर का पहनेंगे हेलमेट? मैं रेड पहनूंगी। अब मान भी गई, रेड या ब्लैक। चले बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। घर में किसी के पास बाइक है? जी। आप बैठती हैं बाइक पे? बहुत रेयर। तो अब कल से ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का ये हुक्म है कि आप खवातीन हो मर्द हो जो भी बाइक के पीछे भी बैठेगा वो हेलमेट पहनेगा। आई थिंक सो इट्स राइट, आई थिंक सो, आई एम इन माय ओपिनियन इज इट्स राइट। राइट है, अच्छा है। चलें कौन से कलर का हेलमेट पहनेंगी? ब्लैक। ब्लैक पसंद है आपको? अच्छा, जो खवातीन जो कह रही है हमारा मेकअप खराब हो जाएगा, हमारा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा या हमसे चादर नहीं संभाली जाएगी, उनको क्या आप पैगाम देंगी? मेरे ख्याल में मेकअप जो है वो दोबारा भी हो सकता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी जो है वो एक बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ है, मेरे ख्याल में वो दोबारा नहीं मिल सकेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि लेडीज़ भी बैठेंगी तो वो भी हेलमेट पहनेंगी, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, लेडीज़ के लिए तो हेलमेट पहनना ये अलाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो अब हाई कोर्ट ने कह दिया है।
नहीं, हाई कोर्ट कुछ भी कहे तो इसका मतलब आवाम के लिए जो बेहतर होगा वही करना। आप लॉजिक से समझाइए गलत कैसे है। गलत इस तरह के है, अगर कोई बाइक चला रहा है वो तो हेलमेट यूज कर सकता है ना, लेकिन लेडीज का कोई रीजन ही नहीं, कोई रीजन भी तो होना चाहिए ना। अगर लेडी गिरती है बाइक से या फिर जेंट्स गिरते हैं बाइक से तो लेडीज को जख्म आना इस्तेस्ना है, वो नहीं उनको जख्म आएगा। जख्म आएगा लेकिन देखिए हेलमेट से मैं एक्चुअली ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये आपने देखा होगा, क्योंकि आप साइड पे देखें तो हेलमेट से नजर नहीं आता। आप पहन लेंगी हेलमेट? कभी भी नहीं। लॉजिक तो देने, रीजन तो देने। कभी भी नहीं पहनेंगे। बाइक पे बैठना छोड़ देंगी लेकिन हेलमेट नहीं पहनेंगे? छोड़ देंगे बाइक पे बैठना। बस ये है कि फिर हेलमेट ही नजर आएंगे, आवाम तो नजर नहीं आएगी। हम नजर नहीं आएंगे फिर हेलमेट ही नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बाइक चलाते हैं? जी चलाता हूँ। तो कल से जो आपके साथ हेलमेट ना पहने हुए पीछे वाला राइडर होगा उसको उसका चलान हो सकता है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? पीछे आपके चाहे मिसेज हो वालिदा हो उनको हेलमेट पहनना है, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। हेलमेट की जरूरत तो है। सर आप वकील हैं? सेफ्टी के लिए। जी मैं एडवोकेट। तो आपको पता है ये लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है, आप इसको गलत कैसे कह सकते हैं? मैं सिर्फ इस हवाले से कह रहा हूँ कि जो बंदा ड्राइव कर रहा है उसके लिए तो मस्ट है, लेडीज के लिए और बुजुर्ग जो लोग हैं उनके लिए तो बड़ा मसला है, वो तो नहीं पहन सकते इजीली। तो ये तो आप यकीन करें कि ये तो आप ही की जानिब से आया है हुक्म, अगर आप ऐसा कहेंगे तो फिर आवाम क्या सोचेगी? वैसे सेफ्टी के लिए तो ठीक है, सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई बंदा मोटरसाइकिल से गिरता है जा रहा है, हेलमेट जो है उसको सेफ तो करता है, उसको बचाता तो है, सर में चोट लगे। आप अच्छा सा मैसेज दें कि आपने हेलमेट पहनना है। जी हेलमेट तो पहनना चाहिए। लेडीज के लिए भी मैसेज दी? नहीं लेडीज के लिए तो मैं नहीं कहता, या कोई इस किस्म के हेलमेट जो है वो होने चाहिए जो लेडीज के लिए सूट करें। चले बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम जी। कल से हेलमेट लेडीज भी पहनेंगी जो पीछे बैठेंगी? अच्छा श्योर जी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी। नहीं पता आपको? नहीं पता था। तो कैसा देख रहे हैं इस इकदाम को? अभी देखा तो कोई नहीं किसी को, आप कल पहनेंगे पता चलेगा क्या सिलसिला क्या। घर में लेडीज हैं जो आपके साथ बाइक पे बैठती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हैं जी हैं। तो उनको हेलमेट ले देंगे? डेफिनेट बात लेना पड़ेगा, अगर ये रूल है तो सबके लिए। इसको आप पॉजिटिव वे में देख रहे हैं या नेगेटिव वे में देख रहे हैं? देख रहे हैं नेगेटिव। मनफी क्यों? इसलिए कि वो अजीब सा लगेगा, आप लेडीज के लिए अलग परचेज करेंगे, कहीं जाना हो खड़ा करना होगा, उसको कहीं रखना पड़ेगा, इसकी केयर करनी पड़ेगी, वो कहाँ करेंगे इसको? अच्छा, ये केयर नहीं होती? केयर नहीं होती है। चले लेकिन हिफाजत तो होगी। कहीं दूर से आए किसी का बाइक मेन रोड पे गिरा है, उसे बाइक स्लिप हुई है, जाहिर उसने यूज नहीं कर रहा, उसने साइड पे रखा हुआ था, तो इसमें हादसा बनते हैं। आप एक अपने लिए एक की टांगेंगे गिरेगा, हादसा का सबब बनेगा, इसीलिए डेफिनेट बात है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कल से जो आपके पीछे जो भी होगा चाहे लेडीज है या जेंट्स है हेलमेट पहनेंगे, ऐसा देख रहे हैं? पहनेंगे। अच्छा है, आप पहन लेंगी हेलमेट? हाँ इंशाल्लाह। कौन से कलर का पहनेंगी? ब्लैक। ब्लैक कलर ले देंगे फिर? आपने खुद तो पहना नहीं हुआ। ओके हो गया, मैंने अभी वो पीछे रखा था ना दुकान पर। अच्छा। उधर रखा है। ले देंगे मिसेस को हेलमेट? जी ले। ब्लैक कलर का? ब्लैक कलर। चले जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। लेडीज भी वो भी हेलमेट पहनेंगी, इसको इसके ऊपर क्या कहेंगी, इसको कैसा देखती हैं आप? पहनना तो चाहिए सेफ्टी के लिए। अच्छा, कुछ खवातीन से हमने बात की, वो ये कहती हैं कि मेकअप भी होगा, दुपट्टा भी होगा या अबाया भी होगा, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो ये देखना जरूरी है या फिर जान ज्यादा जरूरी है? देखिए जब हम बाइक पे पहले वैसे ही बैठते हैं तो अपने आपको सेफ्टी मेजर तो देखते हैं ना, अबाया दुपट्टा सब कवर तो कर लेते हैं, हेलमेट तो सर पे कैरी करना है। अच्छा है, मतलब पॉजिटिव है। एक मैसेज दे दें आप खवातीन को? बिल्कुल जरूर पहने, अपनी सेफ्टी देखिए सबसे पहले तो, बस बात। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप क्या कहेंगी कल से हेलमेट खवातीन भी पहनेगी? पहन लेंगी आप? आपको पसंद है? इनके साथ तीन तीन चार चार बच्चे बाइक होंगे, वो कैसे पहनेगी? वो कैसे बच्चों को हैंडल करेंगे क्या? वो हेलमेट को हैंडल करेंगे? तो फिर आप नहीं पहनेंगी? सबसे पहले तो उनको बाया अवेलेबल करना चाहिए जैसे कि आजकल का माहौल है, फिर हेलमेट का बाद में सोच लेना चाहिए उनको। अच्छा ये मुझे बता दें कि आप साथ हैं, हेलमेट लेके दे देंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हम ये कहते हैं आया कि हमारे माहौल में जो है ना ये जो हेलमेट है ये सिर्फ मर्द हजरात को ज़रूरी है, लेडीज़ को पीछे नहीं। वो कैसे समझाइएगा? वो समझाने का ये मकसद है अभी एक बंदा आगे बैठा है हेलमेट लेके, अगर दूसरा बंदा पीछे भी बैठ के वो हेलमेट यूज़ करेगा तो वो आए दाएँ बाएँ देखेगा कैसे? हेलमेट जो है ना वो एक बहुत बड़ा एक बोझ होता है सर पे, मर्द हजरात वो ले लेंगे, वो चला रहे हैं चलो उनको तो पता है हमें गिरते हैं, चलो चोट से महफूज है, अल्लाह ना करे किसी को ऐसा मसला बने, लेकिन पीछे वाली जो सीट है ना उस पे हेलमेट नहीं जरूरी। लेकिन फिर सर आपका चलान हो जाएगा? चलान तो फिर ये गवर्नमेंट की बात भी, तो जितने का आपने चलान देना है उतने का हेलमेट तो आ जाएगा। हेलमेट तो ठीक है वो इतने का आ जाएगा, लेकिन लेडीज जरूरी नहीं है कि लेडीज पहने। अगर आप गिरती हैं अल्लाह ना करे
तो चोट तो लगेगी, वो चोट तो देखेगी नहीं कि आप लेडी हैं या आप जेंट्स हैं। अब इस बार इनके जहन में 2008 में 18 में क्या आया कि लेडीज पहने? कानून तो पहले का है, इम्प्लीमेंटेशन अब हो रहा है। ये कानून जो आईने पाकिस्तान ने पहले का है। चले अल्लाह बेहतर करे जो कर रहे हैं, शायद बेहतर। आप जल्दी से मुझे बता दें कलर कौन सा पसंद है आपको हेलमेट का? ब्लैक। ब्लैक कलर का ले देंगे? नहीं ब्लैक नहीं, हम तो ब्लू लेके देंगे। चले जो जैसा भी हो, फिर अगर ये अवेलेबल है, ये जरूरी है, तो फिर हर काम हर बात को चलाना पड़े तो चलाना पड़ेगा। मिसेज ने वैसे ब्लैक की डिमांड की है। ब्लैक चलो उनकी भी मान नहीं राय थी, मिसेज एन की भी राय लेनी चाहिए। मान गए हैं ब्लैक कलर में। नहीं ठीक है, ब्लैक चल रहे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, जहाँ पे हमने मर्दों से भी बात की, ख़वातीन से भी बात की, हमने ट्रैफिक वार्डन से भी बात की, हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ थे, DSP साहब भी हमारे साथ थे। कुछ मिला जुला रुझान हमें नज़र आया आज के प्रोग्राम में, जहाँ हमने ये देखा कि बहुत सी ख़वातीन ने रेजिस्ट किया कि वो हेलमेट नहीं पहनेंगी, वहाँ पर बहुत सी ख़वातीन ऐसी भी थी जिन्होंने अपने हस्बैंड से डिमांड की कि उन्हें ब्लैक कलर का या फिर रेड कलर का हेलमेट चाहिए। अपना काम आज हमने पूरा किया, अपनी ड्यूटी, अपना फ़र्ज आज हमने निभाया है, हमने मैक्सिमम अवेयरनेस क्रिएट करने की, आगाही पहुंचाने की हमने कोशिश की है, और तमाम तर रिस्पॉन्स भी आपने देखा। कल से हेलमेट का इतलाक लाजमी है, हफ्ते और इतवार के रोज़ से आगाही की जाएगी, उसके बाद अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपका चालान किया जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है कि आपने हेलमेट पहनना है या फिर अपना चालान कटवाना है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।